नमस्कार साथियों, प्रणाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है? आज हम देखेंगे 3D। इसके पहले हमने 2D देखा। 2D में सारे जितने भी टॉप पॉइंट थे वो सारे हम कवर किए हैं। 3D में भी हम कुछ कवर कर लिए, जैसे कि घन, घनाभ, ये दो पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है, तो आज हम 3D में बेलन स्टार्ट करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। अगर हो सकेगा, अगर टाइम बचता है तो आपका शंकु भी इसी वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी तो देखते हैं हम आज 3D का बेलन देखते हैं। 3D बेलन, आखिर बेलन होता क्या है? बेलन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं बेलन क्या होता है। बचपन में तो बहुत ही मतलब बेलन से तो मार खाए हुए होंगे, है ना? बेलन से आप सभी लोग मार खाए हो ना, तो उसकी आकृति तो पता ही होगी। भले ही ऐसे आकृति नहीं तो कम से कम पीठ पे तो आकृति पता होगा ना कि कैसा बना है आकृति। तो इस बेलन में हम सबसे पहले देखेंगे आयतन। इसके आयतन, अगर इसके हम आकार की बात करें तो आकार कुछ ये इस टाइप दिखाई पड़ेगा आपको। आकार ये आपको आकार दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ये जो होता है, ये डिस्टेंस, इसको हम आर बोलते हैं। ठीक है, यहां से ये वाले जो डिस्टेंस होता है इसको हम एच बोलते हैं। ठीक है, हाइट। और ये आर क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये त्रिज्या होती है। अगर एक वृत्त पड़े हो, 2D में एक वृत्त पड़े हो, ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? आर, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, तो ये त्रिज्या जो है, ये जो वृत्त है, वृत्त में ये यहां से पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है? त्रिज्या है। अब इसी में हम देखेंगे कि इसका आयतन क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसके एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने 3D में घनाभ या घन की बात की है तो उसमें आयतन देखा गया। तो आयतन क्या होता है? आयतन में हमने देखा है कि जो उसमें, जैसे कि हम एक घनाभ है, घनाभ में कितना हम पानी या फिर कोई लिक्विड या फिर कोई भी चीजें हम क्या उसमें भरते हैं, उसकी क्षमता क्या होती है, उसकी कितनी क्षमता है, तो उसमें भरने की क्षमता कितनी है, क्योंकि पूरा फुल वो क्या हो जाए, भरा हुआ हो जाए, तो उसकी क्षमता कितनी थी, उसका जो हम निकालते हैं कितना, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितना भी आया, तो वो जो क्षमता हो गई वही हमारा क्या होता है? आयतन। तो वैसे ही ये भी है। ठीक है, जैसे कि अगर देखोगे चटाई होती है ना, जब चटाई को हम क्या करते हैं, रोल करके कुछ इस टाइप से बना देते हैं, ना, ये रोल करके ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक बेलनाकार ले लेता है। अब यही चटाई को अगर हम ऐसे फैला दे तो कुछ हमारा आकृति कैसे हो जाएगी? आयतन की आकृति जैसे हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाएगा आकृति? आयतन की जैसे, जैसे कि ये। ठीक है, इसी से हम निकालेंगे, अगर आयतन के बारे में पता है तो इसी से, ये जो आयतन है इसी से हम बेलन के वक्र पृष्ठ, आयतन, आयत, और इसके क्या बोलते हैं हम, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो वक्र पृष्ठ है, इसका हम फॉर्मूले क्या करेंगे, देखेंगे कैसे इसका फॉर्मूला आया, आयतन इसका कैसा आया, कैसे इसका वक्र पृष्ठ आया, कैसे इसका संपूर्ण पृष्ठ आया। इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, सीधा ये क्या देखोगे, ये वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये आया कैसे, इसका आयतन आया कैसे है, इसका संपूर्ण पृष्ठ आया कैसे है, इसका वक्र पृष्ठ आया कैसे है, ये सारे हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसको, अगर हम क्या करें, बेलन को अगर हम फैला दिए तो कुछ आयतन टाइप से हो जाएगा। ठीक है, आयत टाइप से हो जाएगा। जब इसको फैला दिए तो ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब इसको हम फैला दिए तो ये कुछ, ये जो रोल है इसका, अगर हमको डिस्टेंस पता हो तो हमको ये फैलाएंगे तो ये पता हो जाएगा इसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस अगर पता होगा तो हमको जब फैलाने पे इसका पूरे का डिस्टेंस हमको पता हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा डिस्टेंस कैसे निकला, देखिए यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त को उठा के हम बाहर रख लिए,
ठीक है, ये क्या हो गया आपकी त्रिज्या, ठीक है। और अब ये क्या है, आपने पढ़ा होगा वृत्त में, अगर नहीं पढ़ा तो आगे जो वीडियो पढ़ी है 2D में वृत्त का, उसमें जाकर देखिए, वो सारे वीडियो डली है। तो इसका हम अगर डिस्टेंस निकालें तो ये एक क्या है, ये एक है हमारा परिधि, क्या है, वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि अगर हमको पता है तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमको पता हो जाएगा, क्योंकि ये एक वृत्त की परिधि को क्या किया गया, फैला दिया गया। जब यह फैला दिया गया तो ये समझो कि आयत की लंबाई का, आयत की लंबाई होगी, ठीक है। वृत्त की परिधि का अगर फॉर्मूला हमको जाने, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जाने, तो वो क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr, क्या होता है 2πr, ठीक है। अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है, ये है 2πr, ये 2πr, ठीक है। और उसके बाद ये जो हाइट दिया गया है, यहाँ पे ये जो हाइट दिया गया है वो कितना है h, ठीक, ये क्या है, कितना है h, और जब ये h है तो ये भी क्या हो जाएगा h। तो अब ये हमारा बन गया ना, ये हमारा क्या बन गया, आयत एक बन गया रेक्टेंगल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का अगर एरिया हमको पता हो जाएगा तो इसका हमको वक्रपृष्ठ का, इसका बेलन का वक्रपृष्ठ हमको पता हो जाएगा, वक्रपृष्ठ पता हो जाएगा, आयत का फॉर्मूला डायरेक्टली हम बता देंगे। आयत का फॉर्मूला कॉमन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे सॉरी बेलन का आयतन की बात करें तो अगर इसका फॉर्मूला जो कॉमन फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, उस पर अगर हम पुट कर देंगे तो ये हमारा पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम इसके बेलन की बात करें, बेलन के आयतन की बात करें, देखिए यही पे इसी में देख लीजिए, ठीक है, ये हम क्या किए, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब ये आधार है आपका, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है एक, आधार एक वृत्त है ना, आधार एक क्या है, एक वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त में ये दोनों परिधि और क्या बताया गया, क्षेत्रफल बताया गया है। इसके पहले वीडियो में जो 2D का वीडियो था उसमें वृत्त का क्षेत्रफल बताया गया था, वृत्त की परिधि बताया गया, और वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल से ही हमारा बेलन बन गया, ठीक है। अगर वृत्त के वृत्त के बारे में अगर पढ़े हो तो ये बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमारा ये जो बेलन है, बेलन का अगर हम क्या निकालें, आयतन निकालें, बेलन का आयतन निकालें तो क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, क्या है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इसमें अब हम देखते हैं एक एक करके अच्छे से बना करके, आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, ये तो थोड़ा सा क्या था बैकग्राउंड था। अब इसको हम देखते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट को, ठीक, इसको फिर अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे पूरा आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, ये तो हमने बताया कि आखिर ये बनता कैसा है, फार्मूला बनता कैसा है, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूले की बात करें तो कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। और अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिन जो लोग पुलिस कार्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी जहां पे मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक आता है उनको भी शेयर कर सकते हैं आप। चलिए देखिए, बेलन का आयतन, पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, बेलन के आयतन का एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है, ये आपका R, ये H, ये क्या है H और ये क्या है R, ठीक है। अब हम बेलन के आयतन की बात कर रहे हैं,
बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन का जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आधार, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ये आधार का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, देखिए यहाँ पे आधार का जो क्षेत्रफल है वो है आपका, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या है, एक वृत्त है। आधार का जो क्षेत्रफल है वो एक वृत्त है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आधार का जो क्षेत्रफल हो गया वो एक वृत्त है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना, एच, ये हमारा क्या है, ये हाइट है, ऊंचाई है, तो ये क्या है, एच। तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसको अगर हम सही तरीके से लिखे तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो गया हमारा बेलन का आयतन। क्या हो गया, बेलन का आयतन क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं अगर उसी में हम रख दें, आधार का क्षेत्रफल ये एक वृत्त हो गया, और वृत्त के, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और उसकी ऊंचाई, यही है हमारा आधार, और ये क्या है, हमारी हाइट, जो ऊंचाई होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया, बेलन का आयतन। अगर हम इसके, अगर हम इसके वक्रपृष्ठ की बात करें, बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ की बात करें तो वो क्या होता है, देखिए अगर हम यही बेलन को क्या कर दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, ये क्या बन जा रहा, आयत बन जा रहा। अब आयत का के क्षेत्रफल की बात करें, वक्रपृष्ठ का मतलब समझ रहे ना, ये जो क्या हो गया, ये पूरा रोल, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये कुछ बेलना टाइप से दिखाई पड़ रहा है आपको, एक सेकंड रुकिएगा, जी ये क्या है, एक बेलन है, ठीक है, बेलन ये हो गया है हमारा, क्या हो गया, वक्रपृष्ठ। अब इसमें कुछ अगर हम डालें, कुछ इसमें अगर हम पानी वगैरह कुछ भी अगर हम फिल कर रहे हैं, पूरा फिल करने में इसमें जो आयतन आएगा वो क्या होगा, ये आधार का क्षेत्रफल, आधार एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इसकी हाइट कितनी है वो, ठीक है, ये आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये हो गया आपका आयतन। और अगर इसको हम ऐसे काटे और पूरा इसको फैला दे, इसको पूरा फैला दे, तो एक क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अगर इसको हम यहाँ से बीच से काट दें, यहाँ से, और उसके बाद इसको फैला दें, तो ये हमारा ये क्या बन जाएगा, आयतन। अब इसको जब फैलाएंगे तो इसका जो एरिया बाउंड्री होगी, इसी यही होगा इसका, ये वाला लेंथ, और इसकी हाइट, इसकी एच हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एच, ये भी एच, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा क्या, एच, और इसकी जो बाउंड्री हो जाएगी वो कितना है, टू पाई आर, यहाँ पे टू पाई आर, ठीक है, ये क्या हो जाता, इसका जब काटने के बाद ये जो होता, इसके ऊपर का भी लेंथ और इसका भी लेंथ, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ। अब वक्रपृष्ठ क्या होगा, अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमारा वक्रपृष्ठ निकल जाएगा, और वक्रपृष्ठ का, अब इसका एक आयत का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है, टू पाई आर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, h, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r h, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का जो वक्रपृष्ठ आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई r h, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, आयतन, और ये क्या है हमारा, वक्रपृष्ठ, ठीक, ये वक्रपृष्ठ हो गया। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि ये वाला एरिया और ये वक्रपृष्ठ वाला एरिया, ये पूरा को हम मतलब पूरे पूरे जो सरफेस हमारा दिखाई पड़ रहा है वो सारे क्या है, हमारा वक्रपृष्ठ है, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ है, वो क्या है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये पूरे वाले का एरिया, ये वक्रपृष्ठ वाला एरिया, ये वाला और ये, ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि अगर हम इस वाले एरिया मतलब वक्र पृष्ठ वाले एरिया और वक्र पृष्ठ निकाला गया तो इसको निकालने की अब जरूरत है नहीं, तो ये क्या जाएगा, ये पूरा हमारा क्या है एरिया इसका, अगर इसको हम पेंटिंग करें ऐसे ऐसे तो ये हमारा वक्र पृष्ठ में पूरा पेंटिंग हो जाएगा। ये कितना है एरिया, 2πRh। ठीक है, अब हमको इसका एरिया और इसका एरिया को मिला के ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो लिख लीजिए बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या हो जाता है, मतलब कि ये वाला एरिया वक्र पृष्ठ वाला एरिया, वक्र पृष्ठ आया कितना है, वो आया है 2πRh। ठीक है, कितना है 2πRh। ठीक, और ऊपर वाले के एरिया, अगर ऊपर वाले के एरिया की बात करें तो एक वृत्त है, नीचे वाले के एरिया एक वृत्त है, तो एक वृत्त को निकालेंगे, इस वृत्त को निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वही इसका भी क्षेत्रफल होगा, तो इसका एक निकाल करके उससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसका पाई आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2πr2। ठीक है, 2πr2, 2 कहाँ से आया, या तो ऐसा कर सकते हो ऊपर वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा देखो 2πrh प्लस 2πr2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या हुआ है, बस इसको ऐड कर दिया गया बस। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2πrh प्लस 2πr2। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, अगर कॉमन दिखाई पड़ रहा है देखिए क्या क्या है, 2π यहाँ पर भी 2πr, यहाँ पे r एक बार, यहाँ पे r दो बार, तो मतलब इसमें कॉमन जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2πr। ठीक है, कॉमन ले लिए तो बचेगा h प्लस r, ये जो हो गया, ये जो निकल के आया हमारा, यही हमारा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। ये आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है, नीचे ना दिखाई पड़ो कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या है, बेलन के बारे में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसके में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास एसटी यादव की बुक है तो उससे आप क्वेश्चन करिए, उसमें से जो भी क्वेश्चंस ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या हमारा एक व्हाट्सअप है जो नंबर क्या है, 94 51 60 90 40, इस पे भी आप भेज सकते हैं अपना क्वेश्चंस, इसका जवाब मिलेगा तुरंत। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 94 51 60 90 40, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वीडियो से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा क्वेश्चंस जो आपको समझ में ना आए, आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं और इसको पूरा लिख लीजिए। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब इस ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें हम फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई
10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का देखिए यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, यदि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कॉमा वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए ठीक है। जो आपका डाटा दिया गया है वो क्या है, जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वक्रपृष्ठ निकालना है और क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा एक बार आप खुद ट्राई करिए, देखिए कोशिश करिए एक बार, ठीक है कोशिश करिए, देखिए आपका आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए आपका सही है कि नहीं, अगर गलत है तो फिर से ट्राई करिए। तो ये बार बार कोशिश करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन जब बार बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूले याद होगा, ठीक है। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, जब क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हो, बार बार लगाते हो, तो आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूले तो एकदम से रट जाता है और वो कभी भूलता नहीं है, ठीक है। याद करने वाली चीजें भूल जाओगे, जैसा कि अभी हम समझाया फॉर्मूले आए कैसे, अगर उसको एक बार कोशिश किए, एक बार लगाया कि कैसे आखिर ये फॉर्मूले कैसे आए, ठीक है, तो आप क्या हो गए, वो फॉर्मूले भूलेंगे नहीं डायरेक्टली। और शॉर्टकट ट्रिक कोई होती नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक अपने से बनाई जाती है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। शॉर्टकट हमारा जैसे आप सॉल्व करते जाए, अभी तक क्या करते थे 12 × 25 है, अब इसको क्या करते हो 12 × 25 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको एक एक करके पहले 5 × 12 मल्टीप्लाई करते हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, अब क्या होता है कि 25 का डायरेक्ट टेबल पढ़ लिए 12 बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट हो जाता है, यही है, जब प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट में बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 25 को अगर 10 में मल्टीप्लाई कर दिए फिर 2 में मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 25, देखो 250 तो वो हो गया प्लस 25 × 50, अब ये कितना हो जाती है, ऐसे मतलब सॉल्व कर लेते हैं ये, हालांकि गलत है, ऐसे सॉल्व नहीं करते, मतलब 12 का डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो जाता है हमारा, जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका क्या होता है, शॉर्टकट ट्रिक बनता चला जाता है। तो इसको कोशिश किए आप सभी लोग, इसको क्वेश्चंस लगाएं, देखिए आपका डाटा क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है त्रिज्या जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, त्रिज्या हो गई, त्रिज्या कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, हाइट जिसको एच बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई कितना दिया गया है, वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका हम बेलन का आयतन निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या आयतन, बेलन का आयतन लिख लेना आप सभी लोग, हम आयतन क्यों लिख रहे हैं, ये आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला अभी क्या बताया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या बताया गया था आयतन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला जो बताया गया था, बहुत अच्छे, देखिए आयतन का जो फॉर्मूले बताए गए थे वो बताए गए थे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही फॉर्मूले बताए गए थे, पाई आर स्क्वायर एच बताया गया था, ठीक। अब यहाँ पे हम आर की जगह पे
सेवन रख देंगे, जहां पे आर है वहां सेवन रख देंगे, जहां एच है वहां पे टेन रख देंगे यहाँ पे। और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो बताया गया था वृत्त में, यहाँ पर भी बताया दे रहा है पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, ठीक है 22/7 रखेंगे आप सभी लोग, या फिर 3.14 होता है, जहां पे जैसी जरूरत होती है वहां पे वैसे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई क्या रख देंगे, 22/7 रख देंगे, पाई की वैल्यू जो है 22/7 रखते हैं, 22/7। और कभी कभी क्या होता है आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पाई की वैल्यू नहीं रखता, सीधा पाई ही रख देते हैं, ठीक है पाई की वैल्यू ही नहीं पुटअप करते, ऑप्शन में जो दिया जैसे ऑप्शन दिया होगा वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। अगर ऑप्शन में पाई की वैल्यू दिया है तो हम रख देंगे, अगर पाई की वैल्यू नहीं दिया मतलब ऑप्शन में जो है कोई नंबर में आ रहा है ठीक है तो हम तो पाई की वैल्यू रखेंगे, अगर खुद पाई आ रहा है तो हम पाई की वैल्यू वहां पे नहीं रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आर, आर जो है वहां पे क्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है यहाँ पे जहाँ पे आर है वहां पे 7 रख देंगे, तो यही जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू क्या है एच, एच कितना दिया गया है 10, ठीक है 10 है, यहां तक हो गया। अब ये कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर लेंगे आप सभी लोग, क्या दिया गया है इसको सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम 7 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, 7 × 7 मल्टीप्लाई 10। कोशिश करिएगा काटने को, जब काटेंगे नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, यही सब टाइम क्या है बचाता है हमारा। और हमेशा जो क्वेश्चंस दिया जाता है वो ऐसा डाटा दिया जाता है जो क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, आसानी से डिवाइड हो जाए वो डाटा दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पे दिया गया क्या है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, अब देखो आसानी तरीके से हो जाएगा 22 × 7 × 10, ठीक है। अब जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 9 = 14, 4 + 1 = 15, कितना होगा 15, 4, और ये 10 को जब गुणा करते हैं, जब भी हमारे जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, जब 10 अगर लास्ट में 0 आ जाए, अगर 10, 5, 20 जितना भी 0 आ जाए, क्या करें उससे सीधा मल्टीप्लाई नहीं हो, सीधा उतने ही 0 ऐड कर देते हैं, तो ये 1 0 ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15, 40, कितना आ गया आंसर आप सभी का, कितना आया देख लीजिए, ये हमारा आ गया 15, 40। अब यहाँ पे बात फंसती है ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब क्या होगा, हम बता रहे हैं कि आयतन जो होगा वो क्या होगा हमेशा क्यूब में आएगा, देखिए क्यूब क्यूब में आएगा, यहाँ पे आर देख रहे हैं, आर कितनी बार है 2 बार है, ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो अगर सबको मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। कभी कभी यहाँ पे फंसा लेता है, क्या करता है मीटर दे देता है, केवल मीटर देगा क्यूब नहीं लगाएगा, या मीटर स्क्वायर दे देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो 15, 40 देगा ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट होती है उसको क्या कर देता है चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यूनिट सही दिया है कि नहीं, अगर जो सही दिया है, अगर इसमें अगर मान लो कि सेंटीमीटर स्क्वायर दे देता है 1 नॉन ऑफ दिस दे देता तो हमारा क्या हो जाता है नॉन ऑफ दिस से ही होता, ठीक है। तो ये इस पर ध्यान दीजिएगा यूनिट क्या दिया है, डाटा को ध्यान देना ही है लेकिन यूनिट को भी ध्यान देना है आखिर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया आयतन कैसे आया, देखिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं, आयतन जो जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बेलन का जो आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को क्या करना है हमको ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ पे जो दिया गया है त्रिज्या वो कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो दी गई है 10 सेंटीमीटर, जब इसको हम आयतन के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा आंसर 1540। अब पुटअप कैसे करेंगे, देखिए आयतन बेलन का आयतन जो होता है फॉर्मूले पाई आर स्क्वायर है, जैसे कि अभी पहले वीडियो में ही बताया गया कि इसका फॉर्मूला कैसे आया, कैसे हम फॉर्मूले ये यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ उसकी बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जब इसको हम पुटअप कर दिए, आर की वैल्यू जो दिया गया है उसको रख दिए, एच की वैल्यू जो दिया गया है उसको रख दिए, जब इसको पुटअप कर दिए तो ये जो हमारा आंसर निकल के आया कितना आया 1540। ये कैलकुलेशन आपको फास्ट होगा कब, जब आपको स्क्वायर क्यूब और क्या याद हो टेबल, कम से कम नहीं तो 30 तक, 30 तक नहीं तो कम से कम 20 तक तो याद ही कर लो,
20 तक अगर टेबल आपको याद है कैलकुलेशन आपका बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि टेबल याद हो, स्क्वायर याद हो, क्यूब याद हो, यही सारे हमारे होते हैं क्या बेसिक चीजें जिसको हमको क्या करना है, तैयार करना है, और इसी यही कैलकुलेशन जो हमारा क्या कर देता है, कम कर देता है। हालांकि अगर ट्रिक देखना है मल्टीप्लिकेशन का या स्क्वायर का तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैथ ट्रिक्स में, उसमें स्क्वायर का भी बताया गया है कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्टकट ट्रिक में, ये भी आपको बताया गया है, जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 3D का आयतन। अब हम इसमें देखेंगे क्या वक्र पृष्ठ। ये नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग, अगर नहीं नोट डाउन तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका बेलन का जो है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, क्या होता है आपका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है हमारा जो फॉर्मूले अभी जस्ट बताए गए हैं वो क्या बताया गया है, 2πRh। ठीक है, क्या बताया गया है, 2πRh। तो यहाँ पे जब हम रख देंगे, क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, 2 तो ठीक है, 2 यहाँ पे रख दिए, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर आर कितना दिया गया है, वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और एच जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, अब बचेगा कितना, 2×22×10। ठीक है, जब इसको हम और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22×44, और 10 से जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 440, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। और यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पे कितना दिया है सेंटीमीटर, ये कितना दिया है सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ का जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वक्र पृष्ठ जो भी यूनिट दिया होगा इसका उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, जैसा हमारा क्वेश्चंस में डाटा दिया गया है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी दिया गया है उसी का क्या है, हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। कैसे आया, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh। ठीक है, जो आर है उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, एच है उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, जब हम इसको पुटअप कर देंगे तो ये जो हमारा जब आ जाएगा आंसर, वो 440 जो आया वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यूनिट कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ कैसे होगा उसको निकालेंगे। देखिए संपूर्ण पृष्ठ बेलन का हो गया, अब बताइए संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग कमेंट करिए क्या क्या है, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का अभी जस्ट फॉर्मूला क्या बताए थे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होता है, देख लिया आप सब लोग, पीछे मुड़ो उसमें नहीं देखेगा कॉपी में। ठीक है, देखिए क्या होता है, 2πRh plus R। ठीक है, क्या होता है 2πRh plus R, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसको पुटअप कर देंगे, अब जब पुटअप करेंगे तो यहाँ पे कितना है, इसको यहाँ से देखेंगे, नहीं उधर अभी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, 2 इक्वल पाई की वैल्यू 22/7 गुड़े आर कितना दिया गया है 7, और यहाँ पे एच प्लस आर, एच कितना 10 प्लस आर कितना 7।
कितना हो जाएगा 10 प्लस 7, ठीक है। या जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 गुणे 2, तो 22 दुना 44, ठीक है, 22 दुना 44, और ये कितना हो जाएगा गुणे 10 और 7 17। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 17 चौको कितना, जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होता 17, देखते हैं आप सभी को 17 का टेबल आता है क्या, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखिए 17 चौको 68, 68 की 8 हासिल है, कितना हो जाएगा 6, 17 चौको 68 और 6 कितना हो जाएगा 8 6 14, मतलब कि 74, कितना आ गया 748, कितना हो गया 748, 17 चौको 68 की 8 हासिल है 6 17 चौको 68 और प्लस 6 कितना हो गया 74। अब यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर तो इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये इतना समझ गए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें देखते हैं आगे, अगर टाइम मतलब बोर ना हुए हो तो हम इसमें शंकु स्टार्ट कर, चलिए शंकु का थोड़ा सा आपको हम समझा दे रहे हैं शंकु होता क्या है, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले की और आयतन की बात कल करेंगे। अभी इसको इसका क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसके बाद हम शंकु को समझा दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हो गया। चलिए देख लीजिए यहीं पे शंकु की बात करें, ठीक है, जिसको हम कोण बोलते हैं, ठीक है। शंकु क्या होता है, अगर शंकु ना देखे हो तो बर्थडे में जो क्या आता है कैप आती है, देखते हो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक, यही हमारा क्या है शंकु है, या फिर आइसक्रीम खाए हो, आइसक्रीम भी हमारा शंकु टाइप से दिखाई पड़ता है, ठीक है, या फिर क्या कोई भी ऐसी चीज जो आपको इस टाइप से दिखाई पड़े वो सारे क्या होते हैं शंकु में होते हैं, ठीक है, या फिर आप चुरमुरा खाए हो, चुरमा जानते हैं जो लाई मिक्स करते हैं, वो भी एक क्या बनाते हैं रोल बना के कुछ ऐसे ही टाइप से देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है शंकु हो जाता है, ठीक है। शंकु में अगर हम आयतन की बात करें तो आइसक्रीम समझो, आइसक्रीम को क्या करें कैप समझो, कैप को उल्टा किए जो बर्थडे पार्टी की कैप होती है ना ऊपर लगाते हैं, तो वो उसमें हम क्या उल्टा करके कुछ भर दिए पूरा, वो हमारा क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। इसी में अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करें तो ये जो कर्व वाला एरिया होता है ये आपको हम बना के ही दिखा दे रहे हैं, एक सेकंड देखिए, ये कुछ ऐसे ही टाइप से बनाते हैं जाता है, उतना अच्छा नहीं बना बट ये कुछ है, ठीक है, ये क्या हो गया एक शंकु टाइप से बन गया, ठीक है, ये इसको पूरा बराबर रहता है ये निकला हुआ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये जो हो गया इसमें अगर हम कुछ क्या करिए फिल कर दिए पूरा, ठीक है, पूरा फिल कर दिए तो ये जो हो गया इसमें जो जितना भी आया सामान वो हमारा क्या हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा। अगर हम इसके एरिया की बात करें ये वाले एरिया की इसको छोड़ करके, ठीक है, इसको और अच्छे से हम बना दे रहे हैं, ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करें ये वाले एरिया को तो ये हमारा क्या हो जाता है ये हमारा हो जाता है क्या हमारा वक्रपृष्ठ हो जाता है, और ये जो होता है हमारा ये इसको और ये वाले एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो ये जो होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक था, समझ गए, ठीक है, वक्रपृष्ठ शंकु क्या होता है शंकु कैप देखे हो ये कुछ ऐसे टाइप से कैप लगाया जाता है, कॉमेडी नहीं बना दीजिएगा, देखिए ये क्या है एक शंकु है शंकु टाइप से बना है ये कैप टाइप से बना है, ठीक है। और इसकी जब हम आयतन की बात करते हैं इसमें जो भी फिल किए ये पूरा जो भी आया ये आयतन हो गया हमारा,
अगर इसके हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये वाले एरिया का, ये वाला जो है एरिया इसकी, ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा होता है वक्र पृष्ठ होता है, और ये जो होता है हमारा इसमें जब पूरा फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद ये मान लो ये वाला और ये वाला पोर्शन या फिर खाली रहने देते हैं, मतलब ये वाला ऊपर वाला एरिया और ये साइड वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया शंकु का। इसके फॉर्मूले की चर्चा हम कल करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर भी हो गए होंगे। तो इसमें जो भी है इसका फॉर्मूला जो भी है, वक्र पृष्ठ, आयतन और क्या बोलते हैं समभुज पृष्ठ, और कल शायद ये हम 3D खत्म कर दें। ठीक है, कल हम 3D इसको खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें अब हम पढ़ लेंगे शंकु, पढ़ लेंगे और जो भी गोला, ठीक है गोला इसको कवर कर लेंगे। ये हमारा फिर इसका जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो सारे हमारा ये कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो इसके जब मतलब एक वीडियो इसके पहले वीडियो जो भी है इसके कवर पूरा 3D खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे क्या है, इंस्टाग्राम पे आईडी है, टेलीग्राम पे आईडी है, व्हाट्सएप पे भी हम अब आ गए हैं। तो व्हाट्सएप पे जो भी दिक्कतें हैं, कोई भी डाउट है तो जो नंबर अभी दिया गया है फिर से लिख दे रहे हैं, 94 51 60 90 40, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो वो भी बता सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट, मैथ हो, GS हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी दिक्कतें हैं या फिर कोई फॉर्म वगैरह में कोई दिक्कत हो रही है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप ये मैसेज कर सकते हैं इस पे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और हमारे जो टेलीग्राम है चैनल उस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारे जितने भी वीडियो हैं वो सारे शेयर किया जाता है, या फिर कोई PDF वगैरह हो सारे शेयर किया जाता है। और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइए जहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और वो यूट्यूब पे तो है ही है, आप यूट्यूब पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।